हम बहुत आनंदित है। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया है। परमेश्वर हम सब के बहुत सुरक्षित रखता है। हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं प्रभु के लिए, जो हम अपने समय को निकाल करके यहाँ पे देते हैं। परमेश्वर हमें बहुत सुरक्षित रखता है और हमें कहीं भी जाते हैं अगर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं तो हमारे सारे समस्याओं को प्रभु यीशु क्रूस पर लेके चढ़ा हुआ है। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु अपने ऊपर लेकर के सूली पे चढ़ गए। हमारे पाप इतने हैं कि अगर हम गिन भी नहीं सकते, इतने पाप है। प्रतिदिन अगर जोड़ेंगे, हर दिन में अगर एक दिन में 3 पाप करते हैं तो एक महीने में कितने होते हैं? 39। वो पाप के छुटकाने के लिए हमारे प्रभु हमें अपने पवित्र लहू से मोल दे करके खरीदा हुआ है। तो हम क्यों न प्रभु को हम महिमा करें। जहाँ भी रहेंगे तहाँ भी हम, परमेश्वर कुछ भी नहीं चाहता है, प्रभु कुछ भी नहीं चाहता है, ना फूल ना नारियल ना अगरबत्ती, कुछ भी नहीं चाहते। प्रभु यही बोलता है, मेरे बच्चे तुम अपना दिल मुझे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम सब जो मैं दूंगा वो संसार से अलग होगा। तो हम क्यों ना अपने परमेश्वर महान पवित्र को हम अपने स्तुति करें। हम ये लोग अपना समय निकालते हैं कि परमेश्वर के, हम चाहते हैं कि हमारे जितने भाई हैं हम एकत्रित होकर के पूरे हॉल में एक साथ में अगर नाचेंगे गाएंगे तो बहुत आनंदित होगा। यहाँ के जो भी भाई बहन हैं वो भी सोचेंगे प्रभु कितना महान है, ताकि वो लोग स्तुति करते हैं हम लोग सुनते हैं। आइए हमारे शास्त्री जी के लिए हम विनती करें अपने बाप से। हे महान परम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने प्रभु अपने दासों के द्वारा प्रभु इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिले प्रभु। वो अपना नहीं प्रभु, आपके जो सेवा करते हैं प्रभु, आपके उनके द्वारा प्रभु अच्छे बातें सुनने को मिले और वो बातें हमारे हृदय के ऊपर प्रभु लिख दे, ताकि प्रभु वो हमेशा याद रहे और आपके मार्ग में चलने के लिए प्रभु हमें मदद करे। हम शास्त्री जी के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उनको प्रभु अधिक से अधिक प्रभु लंबी उम्र दे, ताकि हम कोई समझाने के लिए प्रभु यहाँ हर संडे को एकत्रित हो। परम पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। आज से 2000 साल पहले एक बहुत ही अद्भुत घटना हुई थी, जिस घटना को दिसंबर में सारे संसार में लोगों ने माना और मनाया था, जिसको जनरली क्रिसमस बोला जाता है। क्रिसमस शब्द आपने सुना होगा, पता नहीं इसका क्या मतलब है, आपने सोचा होगा, एक्चुअली वो अंग्रेजी शब्द है और केरल में चूंकि अंग्रेजी का प्रचलन काफ़ी है इसलिए सब लोग क्रिसमस बोलते हैं। उसका सही यदि अपन हिंदी में बोलें तो जो त्यौहार आज से 2 हफ्ते पहले सारे केरल में मनाते हुए आपने देखा होगा, वो त्यौहार था ईसा जयंती। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु इस संसार में मनुष्य रूप लेकर पधारे थे, उनके पधारने की यादगार के रूप में ईसा जयंती मनाई जाती है। और पिछले 2 हफ्ते से मैं ये बात आपको याद दिलाता आया हूँ कि ईसा जयंती का असली मतलब क्या है। आज से 2000 साल पहले जब प्रभु संसार में पधारे थे तब स्वर्गदूतों ने आकर बाकायदा उसको अनाउंस किया था कि आज संसार में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता पधारे हैं। इतना ही नहीं, प्रभु के संसार में पधारने के लगभग 2 साल के बाद उस जगत में जो महान विद्वान और पंडित लोग थे, इन विद्वानों के काफिला प्रभु के दर्शनों के लिए आया था और जब उन्होंने प्रभु के दर्शन किए तो जमीन पर साष्टांग गिर के प्रभु को प्रणाम किया और जिस तरह से राजे महाराजाओं को
भेंट दी जाती है, उस तरह से उन्होंने प्रभु को सोना, लोबान, गंधरस भेंट चढ़ाई, ये सब उस युग में बहुत महंगी चीज़ें हुई करती थीं, जिसके द्वारा उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और इस बात को पहचाना कि हाँ, आप इस संसार में हमारे लिए राजाधिराज के रूप में हे प्रभु आप पधारे हैं। इसी बाइबल में जब हम आगे बढ़ते हैं तो और भी बहुत सारी बातें अपने आत्मिक जीवन के बारे में पाते हैं। मैं आज पवित्र बाइबल में से दो तीन हिस्से आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। जिनके पास है वो खोल लें, जिनके पास नहीं है वो फिक्र ना करें, आप बस मैं जो पढ़ के सुना रहा हूँ इसको सुन लीजिए। लेकिन इस सभा के बाद ये जो ग्रंथ मैंने बताए थे इसकी एक कॉपी ज़रूर यहाँ से ले लें, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये आप हमारे गिफ्ट के रूप में अपने साथ एक कॉपी ले जा सकते हैं। संपूर्ण बाइबल भी यहाँ है, उसकी कीमत 200 रुपये है, लेकिन आप में से जो उसको लेना चाहे वो 50 रुपये में यहाँ हमसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आप में से हर व्यक्ति प्रभु के वचन को लेकर, पढ़कर, समझकर प्रभु की इच्छा के अनुसार चलें। तो अपनी ज़रूरत के लिए इन ग्रंथों को ले जाना ना भूलें, अपनी भाषा में ले जाइए और पढ़ें। इस महान ग्रंथ से एक पोर्शन, मैं एक पद पहले आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ जो हमको मिलता है यूहन्ना नामक पुस्तक 3 अध्याय के 16 पद में। यूहन्ना 3:16, आपको एक ताज्जुब की बात बताऊं, आज दुनिया में हजारों भाषाएं हैं, भाषाएं और जिसको अपन उपभाषा बोलते हैं, हिंदुस्तान में कम से कम 25 से 30 मुख्य भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, मलयालम, तमिल। उसके अलावा क्या आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में और लगभग 800 उपभाषाएं बोली जाती है। इवन हिंदी, अपन जो हिंदी बोलते हैं इसके कई सारे रूप भेद हैं। मैं जिस हिंदी का प्रयोग करता हूँ इसको सही रीति से कहा जाए तो इसको खड़ी बोली कहते हैं। हिंदी का जो सबसे शुद्ध रूप है, जो कि मध्य प्रदेश के उत्तर में चंबल इलाके में जो हिंदी बोली जाती है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो हिंदी बोली जाती है, जो हिंदी का सबसे शुद्ध स्वरूप है खड़ी हिंदी बोली। इसके अलावा हिंदी के और भी बहुत सारे रूप भेद हैं। हमारे चंबल में आप गांव में चले जाएं तो वो जिस हिंदी में बोलते हैं वो मेरी भाषा से अलग है, मेरी हिंदी से अलग है। तो इस तरह से अपने हिंदुस्तान में ही कम से कम 25-30 तो मुख्य भाषाएँ हैं, 800 के करीब उपभाषाएँ हैं। ऐसी भी कई बोलियां हैं हिंदुस्तान में जिसको सिर्फ 3,000 लोग बोलते हैं। इतनी भाषाएं तो अपने हिंदुस्तान में, तो सारी दुनिया में कितनी भाषाएं हैं। इनमें सबसे ज्यादा भाषाओं में जिस स्टेटमेंट का अनुवाद हुआ है वो है जो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यूहन्ना 3:16 का अनुवाद हजारों भाषाओं में हुआ है। हिंदी में अपन पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो लेकिन शाश्वत, कभी समाप्त ना होने वाला जीवन पाए। ये सभाएं जो पिछले 1.5 साल से यहाँ हो रही हैं, इन सभाओं का उद्देश्य सिर्फ एक है और वो उद्देश्य यह है कि प्रभु ने मनुष्यों को जो शाश्वत जीवन वरदान के रूप में दिया है, उस शाश्वत जीवन के बारे में, शाश्वत मीन्स जो सदा सर्वदा हमारे साथ है,
उस जीवन के बारे में हम आपको बता सकें, इसके लिए ये सत्संग और ये सभाएं होती हैं। आप पूछेंगे कि शास्त्री सर, सिर्फ एक बात बताने के लिए आप 1.5 साल से सभाएं कर रहे हैं क्या? जी नहीं, एक बात जब बता दी जाती है तो उसके साथ और भी 50 बातें होती हैं। जब अपन दुकान जाके एक जोड़ी नया कपड़ा ले आते हैं तो कपड़ा घर लाने के साथ साथ वो घटना समाप्त नहीं हो जाती है। हम बार बार उसको धोते हैं, प्रेस करते हैं, पहनते हैं, और यदि खास वस्त्र हो तो उसको पहनकर शादी में जाते हैं। तो जो चीज़ एक घटना के साथ आरंभ होती है वो एक घटना के साथ समाप्त नहीं होती है। उसी तरह से प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके जब अपन एक नया जीवन पा लेते हैं तो उस नए जीवन में और भी 50 बातें होती हैं। एक घर बजने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बार बार याद दिला चुका हूँ, बच्चे हों तो सभा में वो रोएंगे, जुकाम हो तो 10 जने छींकेंगे। तो जो हो रहा है वो चलते रहे, अपन प्रभु के वचन पर ध्यान दें। एक बच्चा जब जन्म लेता है, एक शिशु जन्म लेता है, कितनी खुशी होती है, कितना उसके बारे में अपन लोगों को बताते हैं। अरे पता चला तुमको, मेरे घर में एक शिशु ने जन्म लिया है। लेकिन जन्म के साथ समाप्त हो गया क्या? नहीं, जन्म के बाद वो धीरे धीरे बढ़ता है। पहले वो दूध पीता है, उसके बाद वो कुछ दाल या आलू, जिसको अपन ने अच्छी तरह से बिल्कुल उसको सॉफ्ट किया होता है, उसको खाता है। फिर मम्मी डैडी बोलता है या माँ बोलता है, फिर स्कूल जाने लगता है, फिर हायर सेकेंडरी पास करता है, कॉलेज जाता है, जीवन बहुत लंबा होता है। इसी तरह से मैं और आप प्रभु के द्वारा दिए गए उस आत्मिक जीवन को पहचान कर, जब उस आत्मिक जीवन को ग्रहण कर लेते हैं तो ये तो सिर्फ आत्मिक जीवन का आरंभ है। जिस तरह से शिशु की पैदाइश उसके जीवन का आरंभ है और उसके बाद तो वो 50 साल जीवन बिताता है, उसी तरह से जब हम प्रभु में एक नया जीवन पा लेते हैं तो वो तो सिर्फ आरंभ है। उसके बाद हमको 50 साल प्रभु के साथ संगति में, प्रभु की इच्छा के अनुसार आत्मिक जीवन में हर दिन प्रोग्रेस के साथ जीना है। इस कारण ये सभाएं या ये सत्संग हम नियमित रूप से अरेंज करते हैं, इसकी व्यवस्था करते हैं, जिससे कि ना केवल लोग प्रभु के द्वारा दिए गए या प्रभु जो देना चाहते हैं उस आत्मिक जीवन के बारे में पहचाने, बल्कि उस आत्मिक जीवन को प्राप्त करने के बाद प्रतिदिन जिस तरह से एक शिशु के जीवन में हम प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, उसी तरह से मेरे और आपके आत्मिक जीवन में बढ़ें, उन्नति करें। आज इस सभा के प्रारंभ में मैंने एक पर्चा सबको बांटा था, जिसको नहीं मिला वो लोग जाने से पहले अपने लिए एक प्रति जरूर ले लें। प्रभु ने मदद की तो हर हफ्ते एक एक नया पाठ 3 से 4 पन्ने का मैं आपको दूंगा। इसका क्या उद्देश्य है ये भी मैं जरा व्यक्त कर दूं। एक बच्चा जब एक शिशु एक घर में जन्म लेता है तो उसके बाद जब वो धीरे धीरे बढ़ता है तो उसको कितनी ही बातें बतानी पड़ती है, सिखानी पड़ती हैं। उसी तरह से मैं और आप जब आत्मिक जीवन में जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में हम बढ़ें, उसके लिए 50 बातें सीखनी पड़ती हैं। ये सारी बातें यहाँ सभा में प्रस्तुत नहीं की जा सकती हैं। आप व्यस्त हैं, मैं व्यस्त हैं, और कुल मिला के हफ्ते में एक ही बार तो हम सब एक दूसरे से मिल पाते हैं। इसलिए मेरी इच्छा हुई कि मैं आपको ऐसा कुछ हर संडे दे दिया करूं जिसको आप ले जाकर बहुत ही कायदे के साथ, व्यवस्थापित तरीके से
आप इसको पढ़कर सीख सके। आप में से जो लोग जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, वे लोग इसको बहुत गंभीरता से इसका अध्ययन करें, क्योंकि कल को आपकी परीक्षा भी ली जाएगी। आप कहेंगे कि शास्त्री सर, यहाँ पास फेल का चक्कर है, ये नहीं मालूम था। नहीं, पास फेल का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको जो दिया जा रहा है इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, और मुझे ये किस तरीके से प्रस्तुत करना है जिससे कि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। तो आज मैंने जो पन्ने आपको दिए हैं, इसमें पहले तो मैंने एक इंट्रोडक्शन या परिचय दिया है, और तीन पन्ने के परिचय के बाद पाठ एक इसमें चालू होता है। और मेरी इच्छा है, दिल की बड़ी इच्छा है कि इस तरह के 100-150 पाठों के द्वारा मैं प्रभु के वचन की पूरी ट्रेनिंग आप लोगों को अगले 3 साल में दे सकूं। प्रार्थना कीजिए, 3 साल के लिए प्लान बनाना आसान है, लेकिन मेरी तबीयत आप जानते हैं कैसी नाजुक तबीयत है, बीच बीच में ख़राब हो जाती है। तो यदि ये पाठ आपको अच्छे लगे तो प्रार्थना के लिए एक विषय और कहे, प्रभु शास्त्री सर को हफ्ते में बीमार जरूर कर दीजिए, लेकिन बीच में थोड़ा सा समय दे दीजिए जिससे बैठकर वो इस पाठ को लिख के अगले हफ्ते हमको दे सके। पहला पाठ प्रभु के वचन के बारे में है। आगे अपन कई विषयों का अध्ययन करेंगे। एक क्षण के लिए मैं डाइवर्ट करूं, इस वीडियो को और भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं जो इस सभा में उपस्थित नहीं हैं। यदि ये लिखित पाठ आपको इसमें दिलचस्पी है तो आप यदि मुझसे संपर्क करेंगे तो आपको ये सारे पाठ गिफ्ट के रूप में भेज दिए जाएंगे। जिसको भी नहीं मिला वो ले ले। हाँ, आज इस बार छापते समय एक गलती हो गई कि एक साइड गलत छप गया, उसकी आप उपेक्षा कर दें। ये जो छोटे अक्षर हैं, हाँ, वो जो हर पन्ने के पीछे, सब में नहीं है, लगभग 10 कॉपी मैंने छापी तो पीछे जरा गलत छप गया, या जो, हाँ, 10 में है, 10 में नहीं है, 20 कॉपी मैं लाया था, तो जिसमें पीछे बड़े अक्षर हैं, बड़े अक्षरों का आप उपेक्षा कर दें, छोटे अक्षरों में जो लिखा गया है असली पाठ वो है। और बाई चांस किसी हफ्ते आप में से कोई नहीं आया, और यदि आप चाहते हैं कि ये पाठ आपको मिले, तो अपने मित्रों से कह दीजिए, हम आपका मित्र यदि कहे कि फलाने के लिए कॉपी चाहिए तो हम निश्चित रूप से एक कॉपी आपके लिए भेज देंगे। हमारी दिली इच्छा है कि प्रभु के वचन को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आप अध्ययन करें, ठीक है। तो आज हमने देखा कि किस तरह से आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मनुष्य रूप धारण करके संसार में पधारे, जिससे कि मुझे और आपको नया जीवन मिल सके। और जब यह नया जीवन हमको मिले तो उसके बाद क्या होता है, आज उसके बारे में भी मैं 4 बातें बताना चाहता हूँ। ये हमको मिलता है 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 17वें पद में। जिनके पास है वो लोग खोल लें, ये यदि आपके पास संपूर्ण बाइबल है तो उसमें पेज 249 पे 17वें पद में हम पढ़ते हैं, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो वे सब नई हो गईं। इसका क्या मतलब है ये भी हमको समझना चाहिए। आज 2 बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात ऑलरेडी मैंने आपके सामने रख दी कि जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है उस व्यक्ति को एक नए जीवन की जरूरत है। ये नया जीवन उन लोगों को देने के लिए प्रभु इस संसार में पधारे थे, और जो भी व्यक्ति प्रभु को पहचान कर प्रभु को अपना मुक्तिदाता मान लेता है उसको प्रभु वो नए जीवन प्रदान करते हैं। प्रभु जब उसको नए जीवन प्रदान कर देते हैं तब उसके जीवन में जो बदलाव आता है
उस बदलाव के बारे में मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। आप कहेंगे कि शास्त्री सर ये कुछ समझ में नहीं आया है। कोई बात नहीं है, पहली बार जब अपन प्रभु के वचन को सुनते हैं तो समझ में नहीं आता। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं ना केवल आपको यहाँ क्लास में समझाने की कोशिश में हूँ, लिखित रूप में भी समझाने की कोशिश में हूँ। इतना ही नहीं, इस सभा के बाद जब अपन आध घंटा यहाँ पर आपसी संगति चाय पानी के लिए बैठते हैं तो उस समय आप सबका स्वागत है कि आप आकर अपने जितने डाउट्स हैं, जो भी आपके मन में प्रश्न है, वो मुझसे पूछिए, या और भी कई लोग हैं जो आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है, ये जो लिखा है, जो मैंने आपको दूसरा स्टेटमेंट पढ़कर सुनाया, इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपने पापों को पहचान कर प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लेता है, प्रभु उसको एकदम से एक नई सृष्टि बना देते हैं। इसका क्या मतलब है नई सृष्टि बना देते हैं? एक बहुत ही सरल उदाहरण के द्वारा मैं इस बात को समझा सकता हूँ। अपन सभी लोग अलग अलग गांव से आए हैं। भाई मैं भी शहरी आदमी हूँ, लेकिन मेरा भी बचपन गांव में ही बीता था। गांव में कुमार घड़ा बनाता है और मेरा अनुमान है कि यहाँ सब ने देखा है कि कुमार कैसे घड़ा बनाता है, मिट्टी लेता है, जो इस संसार में जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा है। मिट्टी की क्या कीमत है, इसीलिए तो अपन हिंदी में कहते हैं कि मिट्टी के मोल बिक रहा है। मिट्टी के मोल बिक रहा है का मतलब कोई कीमत नहीं है। वो मिट्टी लेता है, उसको साफ करता है, कंकड़ पत्थर हटाता है, उसके बाद पानी डालकर वो उसको जिस तरह से अपन आटा गूंथते हैं उस तरह से गूंथता है। लेकिन गूंथने के बाद वो कई बार उसको अच्छी तरह से मार कूट के उसको इतना स्मूथ कर देता है कि उसको कोई भी आकृति दी जा सकती है। जब इस तरह से मिट्टी तैयार हो जाती है तो वो उसको भारी भरकम जो चाक है उसके बीच सेंटर में उस मिट्टी को जमा देता है, उस चिकनी मिट्टी को जमा देता है। और जब वो चिकनी मिट्टी का लोंदा चाक पे ऊपर जम जाता है तो उसके बाद कुमार क्या करता है, एक लकड़ी लेकर उस चाक के एक छेद में डाल के उसको घुमाता है। ठीक है, आजकल तो ऐसे भी आ गए हैं चाक जो मशीनों से चलते हैं, लेकिन ये कब आए, कल ही तो आए। इसके पहले क्या था मेरे आपके बचपन में, हमने क्या देखा, कुमार उस लकड़ी से चाक को घुमाता है और जब वो स्पीड पकड़ लेता है और जब उसमें वाइब्रेशंस कंपन चाक में खत्म हो जाता है तो कुमार अपनी 10 एक्सपर्ट उंगलियां उस चिकनी मिट्टी पर रखता है 5 मिनट पहले तक, जो सिर्फ चिकनी मिट्टी का एक लोंदा था। अब धीरे 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 शेप आकृति लेने लगता है। मेरे प्रिय भाइयों, मैंने आपने जिसने एक कुमार को बर्तन बनाते हुए देखा है, आप में से कई लोगों को उसमें कोई ताज्जुब नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं तो बचपन से बहुत ही जिज्ञासु व्यक्ति था और कई बार स्कूल से जब घर जाता था तो हमारे घर के पास खाली सी जमीन थी, वहाँ कुमार रोज शाम को बर्तन बनाता था। देखने देखने के बाद भी मेरा मन नहीं भरता था, मैं तो इतना जिज्ञासु बच्चा था कि वहाँ आके खड़े होकर देखता था। आध घंटे के बाद याद आती थी, अरे मम्मी डांटेंगी कि आज देर कैसे हुई। ठीक है, तो फिर घर की ओर दौड़ लगाता था। तो इतनी जिज्ञासा के साथ मैं क्यों देखता था, इसलिए कि 5 मिनट पहले तक वह मिट्टी जिसका कोई शेप नहीं है, जिसकी अपने कोई आकृति नहीं है, उस मिट्टी के लौंदे को यदि उठा के आपके हाथ में दे दिया जाए, आप उसे घर ले जाएंगे क्या?
नहीं ले जाएंगे, आपके लिए वो बेकार है। लेकिन यदि वो कुमार जो बर्तन बना रहा है, यदि वो देखता है कि एक बच्चा जिज्ञासु है, वो खड़ा हुआ देख रहा है, तो जो वो बना रहा था उसको रोक कर मान लीजिए वो फूल रखने के लिए एक मर्तबान बनाता है और उसको काट कर निकालता है और कहता है बेटा तू रोज इसको देखता है कि मैं क्या काम करता हूँ और ये आज मैंने तेरे लिए बनाया है, अभी तो गीला है, मैं इसको यहाँ रखे देता हूँ, कल तू स्कूल से वापस आएगा तब इसको तू ले जाना घर पे और इसके बाहर पेंटिंग वगैरह करके इसमें फूल डालना, मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? अरे मैं तो उसको सर पे रख के अगले दिन घर ले जाऊंगा, क्यों? इसमें और उसमें क्या फर्क है? मतलब 5 मिनट पहले वो गुलदस्ता वहां नहीं था, वो तो मिट्टी का लौंदा था, गीली मिट्टी का, चिकनी मिट्टी का लौंदा था, 5 मिनट के बाद वो एक नई सृष्टि बन गया है। यह है फर्क। मैं और आप जब इस संसार में जन्म लेते हैं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो ईश्वर को आनंद दे। बच्चे बचपन से झूठ बोलते हैं, बचपन से गाली देते हैं, बचपन से ही उनको गलत काम करते हैं, बच्चे सिखाना नहीं पड़ता है, अपने आप ही बोलने लगते हैं, अपने आप ही एक दूसरे को सिखाते हैं, इसलिए कि मनुष्य पापी है। लेकिन उस पापी व्यक्ति को संपूर्ण रूप से बदलने के लिए ही तो प्रभु आज से 2000 साल पहले इस संसार में पधारे थे, और इसीलिए तो यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि मेरा और आपका जीवन नष्ट ना हो बल्कि हम शाश्वत जीवन पाएं, उसके लिए प्रभु इस संसार में पधारे हैं। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात आज से 55 से अधिक साल पहले मेरे पिताजी ने मुझे बताई। मैं बहुत जिज्ञासु किस्म का बच्चा था। मैंने उनसे पूछा कि पिताजी प्रभु के पास जाने के लिए क्या करना होगा, तब प्रभु ने मुझे बताया बेटे यही पद पढ़ के कि बेटे जिसने भी संसार में जन्म लिया है उसके लिए एक दिन मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, उस न्याय के समय तुम कहाँ जाओगे यह इस पर निर्भर करता है कि आज तुम क्या निर्णय लोगे। मैंने पूछा पिताजी क्या निर्णय, तब पिताजी ने बताया कि प्रभु ने आसमान से मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आकर सूली पर मेरे बेटे तुम्हारे लिए अपना जीवन दिया, तुमको नया जीवन देने के लिए उन्होंने अपना जीवन सूली पर कुर्बानी के रूप में अर्पित कर दिया। तो क्या कुर्बानी के साथ प्रभु का जीवन समाप्त हो गया? जी नहीं, तीसरे दिन वे पुनः जीवित हो गए और उसके बाद प्रभु ने कहा मेरे पास आओ मैं तुमको नया जीवन दूंगा। मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा बेटा तुमको वो नया जीवन चाहिए क्या? मैंने कहा जी पिताजी मुझे वो नया जीवन चाहिए। तो फादर ने जैसे बोला था वैसे ही वहीं घुटने टेक कर मैंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। तब से मेरे जीवन में एक विशेष खुशी है, एक विशेष शांति है। इस सभा में ऐसे कई भाई बहन हैं जिन्होंने ऐसा ही किया, उनके जीवन में एक नई खुशी है, एक नई शांति है। जिन्होंने इस तरह से किया उनके बारे में अभी हमने पढ़ा। जो प्रभु यीशु में है वो एक नई सृष्टि, इसका मतलब क्या है? कल तक हम कुमार के उस मिट्टी के लौंदे के समान थे जो देखने में आकर्षित नहीं है, किसी के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन जब उस मिट्टी ने बोला कि मालिक मैं आपके हाथ में हूं, अपनी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन को बदल दीजिए, तब मालिक का हाथ जब मेरे जीवन पर पड़ा तो 5 मिनट पहले तक मैं एक ऐसी चीज था जिसकी कोई कीमत नहीं, मिट्टी की कोई कीमत नहीं है और मिट्टी के लौंदे की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 5 मिनट में प्रभु ने उसके गुलदस्ता
या एक बर्तन या एक मर्तबान बना दिया जो हर व्यक्ति के लिए कीमती है, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। यहाँ जब हम पढ़ते हैं यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, इसका मतलब यह है कि जिस क्षण आप प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करेंगे उस क्षण प्रभु आपको एक नई सृष्टि बना देंगे। इसका एक दूसरा पहलू है, आज इस सभा में ऐसे कई भाई लोग हैं जिन्होंने प्रभु को, और बहन लोग हैं जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई मेरी प्रिय बहन, आपने चूंकि प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है इस कारण आप एक नई सृष्टि है। आइंदा आपका जीवन पुराने जीवन के समान नहीं होना चाहिए। मुक्ति पाने से पहले आपका जीवन जो था, कौन सा जीवन, मनसा वाच्य कर्मणा, हमारा जो जीवन था, हमारी सोच मनसा वाच्य, हमारी बोली कर्मणा, हमारे कर्म मनसा वाच्य कर्मणा, मुक्ति पाने से पहले हमारा जो जीवन था अब वैसा जीवन नहीं होना चाहिए, अब एक नया जीवन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए कि हम एक नई सृष्टि हैं। यह एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक कुमार सिर्फ मिट्टी को लेकर उस मिट्टी को एक नया रूप दे सकता है। संसार के सृष्टा जब सृष्टि करते हैं तो सृष्टा तो कुमार से बहुत ऊंची जगह पर है, ऊंचे पोजीशन में, वो उस व्यक्ति में कंप्लीट परिवर्तन करते हैं। ये जो नई सृष्टि है ये जिस भाषा में लिखा गया, यूनानी भाषा में लिखा गया था, वहाँ नई सृष्टि के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ है उसका मतलब यह है कि उस पुरानी मिट्टी को लेकर उसको एक नया शेप नहीं दिया, बल्कि एक कुमार तो सिर्फ मिट्टी को लेकर एक नया शेप दे सकता है, संसार के सृष्टा जब मुझे और आपको देखते हैं तब हमको अपने हाथों में लेकर हमको पूर्ण रूप से एक नई सृष्टि बना देते हैं। इस कारण इस सभा में जो भी भाई और बहन जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है उनको मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूँ, आपकी बोली आपका सोच अब एकदम से आपकी सोच नई सोच होनी चाहिए, आपकी बोली आपकी वाणी एक नई वाणी होनी चाहिए, आपके कर्म नए कर्म होने चाहिए। इन बातों को समझने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। आज शाम को मैंने आपको दो बातें बताई, ये दो बातें फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ। आज से 2000 साल पहले जगत के सृष्टा प्रभु यीशु ने मनुष्य रूप धारण करके देहधारी होकर इस संसार में जो जन्म लिया उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य ये था कि संसार में हर प्राणी को एक नया जीवन दे सके, एक नया जीवन मिल सके। उस नए जीवन के बारे में आपको बताने के लिए ही ये सत्संग या ये सभाएं हमने ऑर्गेनाइज की हैं। यहाँ आकर कई भाइयों और बहनों ने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके ये नया जीवन पाया है। जिन लोगों ने आज तक ये नया जीवन नहीं पाया है उनसे मेरा अनुरोध है, मेरे प्रिय भाई मेरी प्रिय बहन, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें बल्कि आज ही प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। पिछले हफ्ते दो भाइयों ने यहीं पर सबके सामने प्रार्थना करके प्रभु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था। आज भी चाय पानी के बाद आप में से जो भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं वे लोग मेरे पास आ जाएं, मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार से सब कुछ समझा दूंगा, उसके बाद प्रार्थना करके आप प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से मेरा आपसे अनुरोध है, गंभीर अनुरोध है कि अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, अपने जीवन में इस नए जीवन को प्रभु यीशु के द्वारा जो नया जीवन मिल सकता है उसको जरूर प्राप्त कर ले। जिन लोगों ने पिछले हफ्ते और उसके पहले हफ्तों में प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आपका जीवन नया हो गया है, इसलिए आपके मन से आपकी बोली से आपके कर्म से वो नयापन, कर्म के द्वारा वो नयापन दिखना चाहिए। क्लोजिंग से पहले मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ
कि प्रभु की वाणी, प्रभु के वचन से, प्रभु की शिक्षाओं को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से लिखित रूप में हम आपको इसीलिए देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसका नियमित रूप से पाठ करें। उसके पीछे भी एक कारण है, यदि कोई आदमी अक्षर ज्ञान ना ले, स्कूल ना जाए, तो हम जानते हैं कि जब वो 10-20 साल का हो जाएगा तब उसकी क्या स्थिति होगी। आज से कुछ महीने पहले मैं और भाई जेफरी उधर पाइपलाइन जंक्शन मेरे घर के पास खड़े होकर जब पर्चा बांट रहे थे, तो एक भाई को जब पर्चा दिया तो वो बोला कि भाई साहब मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं तो आसमान से गिरा। अरे कम से कम 25 साल का जवान था। मैंने पूछा तुम कहाँ से हो, तो वो बोला सर मैं 2500 किलोमीटर दूर से यहाँ आया। काहे के लिए आया, नौकरी करने के लिए। 2500 किलोमीटर दूर से नौकरी करने के लिए केरल आया है और उसे अक्षर अभ्यास नहीं है, पढ़ना नहीं जानता। मैंने पूछा कि भैया तू क्या करता है, तो वो बोला कि सर क्या करूँ, दिन भर पत्थर ढोता हूँ क्योंकि उसके अलावा कोई काम ही नहीं जानता। तो जीवन पाने के बाद जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने कोई धंधा पेशा नहीं किया है, नहीं सीखा है, उसकी यही तो हालत होगी। ऐसी ही आत्मिक जीवन में जिसने नया जीवन पाया है, वो यदि प्रभु के वचन का पाठ ना करे, उसको ना सीखे, तो कल वो भी आत्मिक जीवन में अशिक्षित रह जाएगा। प्रभु ना करे कि आज इस सभा में जितने लोग बैठे हैं उनमें से किसी के साथ ऐसा हो। तो ये जो पाठ यहाँ बांटे जा रहे हैं, इनको निश्चित रूप से एक एक कॉपी जरूर ले लीजिए। आप यदि अपने घर पे किसी को भेजना चाहते हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके बच्चे हैं, जिनके बारे में यदि आपकी इच्छा है कि वो लोग भी इसे पढ़ें, तो हमको बताइए, हम आपको एक्स्ट्रा कॉपी देंगे। हम यहाँ इसीलिए आए हैं जिससे कि आपको आत्मिक बातों में इन बातों की समझ मिले, शिक्षा मिले। इसको पढ़ना ना भूलें। और जैसा मैंने बोला कि कुछ दिन के बाद हम थोड़ा सा टेस्ट वगैरह भी लेंगे ये देखने के लिए कि ये सब आपको बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो आज मैंने ये जो बातें बोली इन सबको समझने के लिए और उसके अनुसार अपना जीवन बिताने के लिए। प्रभु आप सबकी मदद करे। जय मसीह की।